देश के प्रमुख व्यवसायी रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। इससे पहले टाटा ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनकी सेहत ठीक है और किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उद्योगपति, उद्यमी और टाटा संस के मानद चेयरमैन अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ 86 साल के इस व्यवसायी के बारे में कुछ रोचक और ढेरों ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। पद्म विभूषण रतन टाटा की निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है, खासतौर पर इस सवाल पर कि आखिरकार उन्होंने शादी क्यों नहीं की थी। इस मामले में एक बार एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल संग एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान रतन ने खुद खुलकर बात की थी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के प्रोग्राम रेंडेवस के दौरान एक साक्षात्कार में रतन टाटा ने अपनी जिंदगी को लेकर खुलकर चर्चा की थी और बताया था कि आखिरकार उन्होंने कभी घर क्यों नहीं बसाया। उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करने का कभी ख्याल नहीं आया था। मैं भी और लोगों की तरह घर बसाना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं जिनके कारण ये संभव नहीं हो सका। कॉलेज के बाद मैं लॉस एंजलिस में नौकरी के लिए गया था, जहां मैंने 2 साल नौकरी की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और मुझे वहां एक लड़की से प्यार हो गया था। हमारी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने भारत आने का विचार किया क्योंकि मेरी दादी पिछले 7 साल से बीमार चल रही थी। मेरी उम्मीद थी कि जिस समय हम सफर बनाना चाहता हूँ वो भी मेरे साथ इंडिया आएगी, लेकिन 1962 में भारत और चीन युद्ध के कारण उनके माता पिता ने सहमति नहीं दी और हमारा रिश्ता टूट गया। मैं आज भी अकेलापन महसूस करता हूँ। इस तरह से रतन टाटा ने अपनी दादी की देखभाल के खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी और फिर कभी भी शादी नहीं की। बता दें कि बिजनेस की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा की पर्सनल लाइफ भी उनके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ काफी चर्चित रही थी। बताया जाता है कि सिमी ग्रेवाल ही वो एक्ट्रेस थी जिनके साथ रतन का नाम जुड़ा था, हालांकि ये उनका रिश्ता भी काफी लंबा नहीं चल सका।